सॉर्टेड डिस्प्ले तो बहुत अच्छा है इसका, एकदम आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल रहा है सब। सो गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, और आज का व्लॉग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज टुडे वी आर गेटिंग अ टेस्ट राइड ऑफ हिमालयन 450। बहुत ही प्यारा टेस्ट राइड होने वाला है बिकॉज ये गाड़ी इतनी प्यारी है, मतलब मैं इसमें जब फर्स्ट टाइम बैठा ना तभी मुझे इसमें फील आ गया। और हाँ, अभी हम लोग टेस्ट राइड में बहुत सारी चीज़ें बात करने वाले, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहो और आप लोगों को ये वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा ये वीडियो आपके लिए। सो पहला आप लोग एग्जॉस्ट का साउंड सुनो और उसके बाद हम लोग करेंगे हिमालयन 450 का टेस्ट राइड। सो आज हम लोग फाइनली ले रहे हैं हिमालयन 450 का टेस्ट राइड, और मुझे एक्चुअली ये बहुत पहले से लेना था बट बहुत ज़्यादा क्यू था तो मेरे को मिला ही नहीं। सो काफ़ी न्यू गाड़ी है यार, तो एकदम चलाने में भी मज़ा आ रहा है। मतलब चलाने में अभी फर्स्ट इंप्रेशन अगर बताऊँ तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका फर्स्ट इंप्रेशन, लुक बोलो हर चीज़ में। तो थोड़ा सा मतलब ट्रिकी ये है इसमें, सबसे पहला 411 से अगर इसको कंपेयर करूँगा तो इसको पिकअप में कंपेयर करूँगा, इसका पिकअप थोड़ा हिमालयन 411 से अच्छा है। और बाकी अगर बताऊँ तो भाई गाड़ी तो एकदम स्मूथ है, स्मूथ बना दिया एकदम गाड़ी को इन लोग ने। देखो मैं चला रहा हूँ, वो एकदम फर्स्ट टाइम राइडर हूँ, देन टू भी मेरे को एकदम ऐसा फील हो रहा है कि मैं इसको बहुत बार चला चुका हूँ। थोड़ा गियर सिस्टम अलग है इसका, मतलब इसका गियर का कैसा है, थोड़ा अंदर है गियर इसका, अगर आप 411 चलाते हो, नॉर्मल गाड़ी चलाते हो ना, उसके मुकाबले। बाकी अभी मैं सेकेंड गियर पर हूँ और आप लोग पिकअप देखो, अब इसका सेकेंड गियर पे भी अगर मैं बताऊँ तो आराम से एकदम पिकअप फटाफट पकड़ती है, ऐसा थर्ड गियर डालने के लिए बोलती नहीं है। सिटी में तो सेकेंड गियर पे भी काम हो जाएगा। बाकी इसका डिस्प्ले अगर बताऊँ तो मस्त, एकदम आप लोगों को एकदम डिजिटल डिस्प्ले मिल रहा है अभी, बहुत अच्छा डिस्प्ले है, अच्छा खासा लुक है डिस्प्ले का। इसमें तो आप लोग गूगल मैप्स भी सेट कर सकते हो, तो सब कुछ है। अभी मैं मेरे दोस्त को वही बता रहा था, जैसे हम लोगों को नॉर्मल लोगों को गूगल मैप लगाना पड़ता है, वैसा हिमालयन 450 में आपको गूगल मैप आपके फ़ोन पे लगाने से तो अच्छा है, आप डायरेक्टली गाड़ी पे लगा सकते हो। तो एकदम चलाने के लिए एकदम बहुत ही स्मूथ है, एकदम फर्स्ट टाइम राइडर भी अगर आप होगे ना तो भी आप इसको आराम से पिकअप उठा पाओगे इसका गाड़ी का। कोई वाइब्रेशंस किधर मेरे को ज़्यादा फील नहीं हो रहा है, थोड़ा सा हल्का फुल्का वाइब्रेशन पैरों पर है बस, वो एक है, और वो वाइब्रेशन बहुत ज़रूरी है, उसी से आपको कनेक्शन फील होगा गाड़ी का। ओहो हो, मैनुवरेबिलिटी अगर मैं बताऊँ, मैनूवर करना भी इसको काफ़ी आसान से मैनूवर कर सकते हो आप, चाहे वो ट्रैफिक हो या कितना भी कुछ हो, मज़ा आ रहा है इसको चलाने में अभी बहुत। अगर मैं बात करूँ ब्रेकिंग का, तो इसका ब्रेकिंग सिस्टम मुझे को अच्छा लगा, नीचे वाला जो ब्रेक है, जो कि किसी गाड़ी में इतना अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम होता नहीं है, बट अगर मैं इसका ब्रेकिंग सिस्टम अगर बताऊँ तो काफ़ी अच्छा ब्रेकिंग सिस्टम है इसमें। नीचे वाला ब्रेक जो पीछे का अपना ब्रेक होता है, रियर ब्रेक जिसको बोलते हैं, रियर ब्रेक वो इतना किसी गाड़ी में होता नहीं है, बट अगर मैं इसको बोलूँ तो इसका रियर ब्रेक मुझे काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है, काफ़ी स्मूथ रियर ब्रेक है, एकदम फटाक से लग जाता है एकदम। और अगर फ्रंट ब्रेक का बात करूँ तो फ्रंट ब्रेक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका अमेजिंग लगा, अच्छा है फ्रंट ब्रेक, मतलब एकदम इमरजेंसी में अगर आपको रुकना है ना तो वो एक सीन है इसमें, अच्छा है। बाकी अगर राइडिंग पोस्चर वगैरह बताऊँ आपको, बहुत मज़ा आ रहा है इसको चलाने में भी, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है सीरियसली यार, एंजॉय करोगे आप, बहुत ही एंजॉय करोगे इसको चलाने में, जब आप चलाओगे ना तो एंजॉय करोगे इसको चलाने में, मैं ये बता रहा हूँ 100% बता रहा हूँ 100%, आपको ऐसा कहीं लगेगा नहीं 450 cc का इंजन बैठ के चला रहा हूँ मैं, एंजॉय करोगे बहुत ज़्यादा इसमें। और इतना मतलब ऐसा वज़न भी नहीं फील होता, मतलब गाड़ी है यार, हैवी तो होगी, डेफिनेटली हैवी है, जब इसको खड़ी करते बैठे रहते ना इसमें तो हैवी फील होता है, बट अभी मैं अगर बताऊँ तो मैं एकदम स्मूथली चला पा रहा हूँ इसको, एकदम स्मूथली। अभी दूसरे गियर पे था, देखो दूसरे गियर पे भी एकदम स्मूथली चल गया, ये बहुत मज़ा आ रहा है। तो है यार गाड़ी में फील है, पंप एंड फील बहुत अच्छा है गाड़ी का, बहुत क्यूट लिटिल बहुत कम वाइब्रेशन से, मतलब इतना वाइब्रेशन तो पता ही नहीं चलता, मतलब इधर से एक यू टर्न ले लेते हैं, और यू टर्न में मेरे को समझ रहा है कि थोड़ा सा इसका यू टर्न बड़ा होने वाला है बिकॉज गाड़ी है आगे से थोड़ी बड़ी। टैंक तो भाई 15 लीटर का दे दिया है इन्होंने, 15.5 लीटर कुछ दे दिया है टैंक ये लोग ने, तो थोड़ा सा यू टर्न वगैरह में तो थोड़ा आएगा, क्योंकि आप लोग खुद देखो इसका टैंक कितना बड़ा है, नॉर्मल हिमालयन के मुकाबले टैंक बड़ा है इसका, तो वो एक बात है। छोटे मिरर्स है, मिरर्स तो काफ़ी वाहियात दिया है, मतलब इसका तो मिरर इन लोगों को देना चाहिए, मतलब ये लोग चाहते हैं कि इसमें भी हम लोग को चेंजेस करना पड़े, तो वो एक पता नहीं क्यों वो चीज़ है मालूम नहीं मुझे कि मिरर से लोग क्यों अच्छा दे नहीं सकते कभी भी। बहुत ज़्यादा क्यूट है, बहुत क्यूट गाड़ी है, एकदम मज़ा आ रहा है चलाने में,
450 सीसी का इंजन, कहीं ऐसा लगता नहीं कि ओवर पिकअप मिल रहा है, ओवर पावर्ड है, या फिर कहीं ऐसा बहुत ज़्यादा पावर हो जा रहा है। काफ़ी लाइट क्लच है, एकदम वन हैंडेडली में यूज़ कर पा रहा हूँ क्लच को। और पिलियन सीट अगर मैं बताऊँ आपको, तो रियान तेरे को कैसा लग रहा है पीछे बैठने को? तो पीछे मैं एक पिलियन बिठा के रखा हूँ, देन टू भी मैं आपको अगर सच बताऊँ तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है, मतलब हैवीनेस फील नहीं हो रहा, या फिर पीछे पीछे वाले को स्टिफनेस फील नहीं हो रहा, मज़ा आ रहा है उसको भी बैठने को। एकदम स्मूथ सीट है, और राइडर सीट थोड़ा सा स्टिफ है। अब मैं बताऊँ अगर आपको, अगर कोई राइडर सीट पर बैठा रहेगा ना तो उसको थोड़ा सा स्टिफ होने वाला है। बाकी ट्रैफिक वगैरह में भी इसको मनूवर करने में भी मेरे को एक बंदा मिला था, वो मुझे बोल रहा था थोड़ी देर पहले, बोलता है कि भाई इसको ट्रैफिक में चलाना, मतलब इसको तो जान पे आएगा डायरेक्ट। मैंने बोला नहीं भाई, शायद ऐसा तू वो सोच रहा वैसा है नहीं, ऐसा मैंने उसको बोला है। और सच में एक्चुअली वो फीलिंग है कि भाई नहीं यार, ज़रा भी ऐसा लग रहा नहीं है कि मतलब इसको ट्रैफिक में राइड करना बहुत मुश्किल है या फिर टफ है, ऐसा कुछ मज़ा आ रहा है। मतलब एकदम सिंपल सॉर्टेड। मैं डिसएडवांटेजेस में सच बताऊँ तो ऐसा मुझे लग रहा नहीं है कोई डिसएडवांटेज इसमें है। यही डिसएडवांटेज हो सकता है मे बी माइलेज में आपको डिसएडवांटेज मिल जाए, या फिर आप लोग ऐसा गाड़ी ले रहे हो तो माइलेज का सोचना तो दूर की बात है, मतलब माइलेज तो सोचो ही मत, आप मज़े के लिए लो ये गाड़ी लॉन्ग रूट के लिए। हाँ, अगर मैं आपको लॉन्ग रूट्स की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको इसमें। हिमालयन 411 से भी ज़्यादा मज़ा इसमें आएगा, बिकॉज इसका पिकअप अच्छा है। फ्यूल का जो ये है, मतलब आपको ज़्यादा फ्यूल जल्दी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 15.5 लीटर की आपको टैंक मिल जाती है, वो सब चीज़ें हैं कि चीज़ों की वजह से ये आपको लॉन्ग रूट्स में राइड करने का और मज़ा आ रहा है। आप मैं एक सेकेंड, तो ये सीन हुआ कि हाँ, हाई गियर्स पे थोड़ा जर्क करता है, मतलब इंजन बड़ा इंजन है तो आपको ऐसा नहीं, आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा। जैसा आप लोगों ने देखा गाड़ी बंद पड़ी, क्योंकि मैं थर्ड गियर पे आई थिंक था और गाड़ी बंद पड़ गई, तो आपको थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ता है इसमें। ऐसा नहीं होगा कि आपको बिना अटेंटिव रह के आप एकदम से आप कोई भी गियर पे चला लोगे, आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा इसमें, वो एक चीज़ है। तो उस चीज़ का आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, गियर्स आपको टाइम टू टाइम नीचे डाउन करने ही पड़ेंगे, नहीं तो फिर गियर अटकेगा आपको, वो एक चीज़ हो गया। बाकी तो मैंने आपको पिकअप बता दिया, मैंने ब्रेक्स बता दिए, टायर्स बता दिए, ग्रिप बहुत अच्छा है टायर्स का। और मतलब जब रोड पे चला रहा हूँ ना तो एकदम मतलब स्टेबिलिटी फील हो रहा है, मतलब ऐसा कहीं पर लग रहा नहीं है। और पोस्चर की बात करो तो काफ़ी एग्रेसिव पोस्चर है इसका, नॉर्मल हिमालयन के मुकाबले इसका पोस्चर काफ़ी एग्रेसिव है। मतलब एकदम ऐसा लगता है कि मैं स्पोर्ट्स बाइक चला रहा हूँ, स्पोर्ट्स टूरर चला रहा हूँ ऐसा लगता है। मतलब आप डोमिनार अगर चलाए होंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट डोमिनार बोल सकते हो आप, बस पिकअप अच्छा है इसका और भी, तो मतलब स्पोर्ट्स टूरर की तरह ये गाड़ी है, काफ़ी अच्छा है। हाँ, इसका कंपैरिजन अपन डोमिनार से कर सकते हैं, अगर डोमिनार भी 450 अगर ला दे तो शायद अपन इसको कंपेयर कर सकते हैं डोमिनार से। तो वो एक बात है कि चीज़ें तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि 411 से तो इसको कंपेयर कर ही नहीं सकते, सीधा सीधा बात बोलता हूँ। वो एकदम एग्जैक्ट टूरर है, ये एग्जैक्ट सिर्फ टूरर नहीं है, ये एक स्पोर्ट्स बाइक की तरह भी ले सकते हो, जिस हिसाब से ये मनूवर होता है ट्रैफिक में। मतलब आप अगर एक ऐसा गाड़ी ढूंढ रहे हो जिसको आपको चलाना है सिटी में भी और इसको चलाना है आपको टोरिंग में भी, तो ये एक परफेक्ट मोटरसाइकिल हो सकता है, परफेक्ट मोटरसाइकिल हो सकता है आपके लिए। तो ये पॉइंटर्स अगर आप लोग ध्यान देते हो तो ये गाड़ी आपको कभी भी निराश नहीं करेगी, कभी भी आपको आपके फेस पे स्माइल लाने से रुक नहीं सकता। बहुत अच्छा चीज़ है, मतलब एकदम रेड लाइन तक खींचता है गाड़ी। मैंने इतना खींचा नहीं बिकॉज नया गाड़ी है और हम लोग को इतना इधर नहीं खींच सकते, तो वो एक चीज़ है। तो ये सब चीज़ें अगर आप लोग ध्यान देते हो तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। हाँ, तो रुक देते हैं अपन, अपना टेस्ट राइड हुआ कंप्लीट, काफ़ी छोटा सा ही राइड लिया अपन ने, तो बात थोड़ा अभी रुक के बात कर लेते हैं आप लोगों से। आप लोगों को रिव्यू भी दिया मैंने, छोटा सा रिव्यू था, बहुत बड़ा रिव्यू नहीं था। अगर एडवांटेजेस पॉइंट की बात करूँ तो 450 सीसी का इंजन है, 15 लीटर का आपको टैंक मिल रहा है और ये आपको सब डिजिटल मिल रहा है ऑलमोस्ट, और नॉर्मल हिमालयन के मुकाबले काफ़ी चेंजेस है इसमें। तो होप्स आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल, और हेल्प हुआ होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो। और हिमालयन 450 का जब टेस्ट राइड हम लोग ने लिया तो वो तो काफ़ी बहुत ही अच्छा था, वीडियो मैंने पूरा वीडियो में बताया हुआ है क्या क्या पॉइंटर से चेंजेस के बारे में मैंने बात। तो होप्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए रिव्यू वीडियो तो कमेंट में ज़रूर बताना हम लोगों को, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस पीस आउट।